गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज संडे है, सो आज नो जिम नो स्विमिंग, क्योंकि संडे दोनों बंद रहते हैं। जिम खुलता है, बट हाँ संडे एक दिन मैं रेस्ट डे दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते जिम गया था तो एक रेस्ट डे जरूरी होता है। आज मुझे देने जाना है एग्जाम, अभी मेडिटेशन करी थी थोड़ी देर, फ्रेश हुआ, और एग्जाम का जो मैंने कल रात को तुम्हें वो सारा जो लिस्ट दिखाई थी वो पूरी प्रिपेयर करनी है, और पूरा कल का ब्लॉग भी एडिट करना है। मैंने जिसको छुआ तक भी नहीं, उसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है। सो अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या ले लिया है मैंने। फेस मास्क, ग्लव्स, डन, और क्या रह गया है, मेरा एडमिट कार्ड, दो फोटोज, डन, सैनिटाइजर, डन, और क्या क्या रह गया, एडमिट कार्ड डन, फेस मास्क ग्लव्स डन, फोटो आईडी, पर्स में ही होता है मेरा आधार कार्ड, बॉल पेन ब्लू, ये देखो गाइस, ये 11th के टाइम पे लिया था ये पाउच, अभी तक रखा हुआ एकदम संभाल के, और पेन्स भी हैं अभी तक, क्योंकि यूज़ ही नहीं करे लॉकडाउन में, कॉलेज तो पूरा लॉकडाउन में निकल गया, पेन भी चल रहे हैं अभी तक, एक दो बस नए पेन डाली, बाकी तब के ही पेन पड़े हुए 12th के, और भाई चल रहे हैं सारे। अभी मैंने यहाँ पे चला के देखे, मोस्ट ऑफ द पेन्स वर वर्किंग यार, मैं ख्याल हद है। अभी ये लेके जाऊँगा, और एक शायद ट्रांसपेरेंट बोतल छोटी सी, इतनी बड़ी तो ले जाने नहीं देंगे भाई, वो कहेंगे भाई जाओ वापस जाओ तुम। ये है मेरा आज सुबह का पहला मील, रवा, ओट्स और आलू बीन्स की सब्जी और पनीर, ये दो उत्पम खा रहा हूँ, मम्मी बना रही है। मम्मी गुड मॉर्निंग, कैसी हो मम्मी? बहुत अच्छी। चलो मैं ये मील करूँगा और थोड़ा बहुत वीडियोस देख रहा हूँ कॉलेज के एग्जाम से पहले, सो लेट्स गो। देखो मैं इतना हेल्दी नाश्ता कर रहा हूँ, और इन लोगों को देखो भाई, ये चिढ़ाने के लिए बेड़मी सब्जी, ये सब इनको बोलो, सब्जी है, आलू की सब्जी में कोई बुरा नहीं है, दिक्कत पूरी में है। ये है वो जो इसका सब रीज़न है। बैग में सब सामान रख लिया है मैंने, एडमिट कार्ड, चश्मा और पाउच, ग्लव्स, मास्क सब नीचे हैं, और एक छोटी सी पानी की बोतल। सो द पैकिंग इज़ डन, मैं बस निकल रहा हूँ 5 मिनट में। फाइनली रीच्ड एट द सेंटर, मैं ऑलमोस्ट 1.25 घंटे पहले आ गया हूँ, मुझे लगा मैं बिफोर टाइम हूँ, बट यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, पूरी पीछे पार्किंग की लाइन देख रहे हो, मेरे को सबसे आखिरी में जाके पार्किंग मिली। अभी गाड़ी पार्क करिए, जाके सेंटर पे देखता हूँ क्या क्या अलाउड है, बैग अंदर अलाउड है कि नहीं है, क्या सीन है, फिर वापस फ़ोन अंदर आके गाड़ी में रखना होगा। सो अभी जाते हैं, वहाँ गेट के पास भी बहुत भीड़ हुई हुई है, जाके देखते हैं, इन्फो लेके आते हैं क्या क्या होना है। ये हाल है, पूरी लाइन लगी हुई, इतनी लंबी भीड़ है पूरी, अभी अंदर जाके पूछता हूँ क्या क्या करना है। तो अभी जस्ट मैंने सेंटर में पता कर लिया, वहाँ पे ना फोन अलाउड है ना कुछ, तो आधार कार्ड अपना और एडमिट कार्ड और दो फोटोग्राफ्स और पेंसिल लेके जाना है, बैग भी अलाउड नहीं है। तो सेंटर में जा रहा हूँ, गाड़ी मैंने दूसरी साइड पार्किंग में लगा दी है जहाँ कार्ड ने गई थी। सो अब आप सबको मिलते हैं एग्जाम के बाद। सो अभी 3:30 हो रहे हैं, पेपर दे के आया हूँ, मतलब निकलने ही नहीं दिया कि पेपर हो जाए तब भी आप जा नहीं सकते, क्योंकि पेपर के बाद भी कुछ अलग ही वेरिफिकेशन होनी थी, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा, तो प्रॉपर आपको 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। और यार एमसीक्यू टाइप पेपर था, तो ऐसा था नहीं कि लिखते रहो, तो 1 घंटा 1.5 घंटे मैक्स, 2 घंटे में तो सबका ही हो गया था, 1 घंटे पूरी क्लास, लाइक 100 बच्चे थे, 100 के 100 खाली बैठे थे। तो अभी तो मेरा पेपर हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ घर अपने फटाफट, 1/2 घंटे का ही रास्ता है यहाँ से, बहुत पास है घर, 1/2 घंटा भी नहीं, 20 मिनट मैक्स का घर है। घर पे आज मम्मी की कोलीग्स आने वाले हैं स्कूल के सारे, तो उनसे भी मिलेंगे आज, आप सबको भी मिलवाएंगे, तो चलते हैं फटाफट। अभी 10 मिनट पहले घर आया हूँ, मुँह हाथ धो के रिफ्रेश हुआ हूँ, चेंज करा है, और ये है मेरा अभी सेकंड का मील, मील नहीं कह सकते, एक तरह से स्नैक जो भी समझ लो यार, भूख लग रही थी तो डाइट चल रहा है। सो एक एप्पल और बब्बू गोशा, बट ये मुझे एक एप्पल लग नहीं रहा है, मम्मी ने शायद स्कैम कर दिए, 2 एप्पल कर दिए, जो भी है, बट खाना तो पड़ेगा। ये खाऊंगा, थोड़ा सा यूट्यूब देखूंगा, खेलूंगा, और फिर काम पे लगूंगा बाकी के। सो ये मेरे म्यूजिक टीचर है स्वपन सर, हाय बोलो सर ब्लॉग को, एंड ये उनकी वाइफ। सो इन्होंने स्कूल टाइम में मतलब मेरे को बहुत सारे लेसन्स दिए, मतलब मेरे को इन्होंने तबला सिखाया, ऑक्टोपैड सिखाया, बोंगो, कोंगो, और मतलब हमने इतने सारे थिएटर, और हाँ वॉइस आर्टिस्ट, आप मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग्स में भी ले जाते थे सारे स्टूडियोज में, और मतलब उन्होंने मेरे को बहुत सारा, जो मेरा आज जो मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, इनका बहुत ज़्यादा हाथ है, लाइक इन्होंने मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्टअप करवाया था, ऑक्टोपैड, मतलब उन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स और डांस, इतने सारे हमने शोज साथ में करे, और लाइक वो एक बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी,
टू बी ऑनेस्ट आई मिस दैट टाइम, क्योंकि अब वो थोड़ा नहीं हो पाता है। सर शेयर करेंगे जैसा स्टूडेंट करते सर ये मैं बोलूंगा, ये एज ए स्टूडेंट तो बहुत अच्छा था, मतलब 12th तक ये स्कूल में बहुत ही शांत बच्चा था, कोई शिकायत नहीं। और अभी पता नहीं कैसे हैं। ये शोभर तू भी ले लो, पले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावनी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। क्लैपिंग कर दो सब सर के लिए। क्या बात। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंके वो बारिश का पानी। थैंक यू सो मच सर। ये चीज होनी चाहिए जब चार जगह में गया, जेन्युइन नहीं होना, जेन्युइन है सर, जेन्युइन है, बहुत बहुत मजा आ गया। नाम नजाकत की बात करता हूँ क्या, काबिल नीले पड़ गए, आरे नीले पड़ गए, हमने तो बोसा दिया था ख्वाब में तस्वीर, हमने बोसा किसके, हमने तो बोसा दिया था ख्वाब में ख्वाब तस्वीर का। क्या बात, क्या बात, ये है नजाकत स्टॉक है। एंड ये हमारी अनीता मैम है जो मेरे स्कूल में डांस म्यूजिक टीचर थी 11th 12th में, इन्होंने ही सारा मेरे को म्यूजिक पढ़ाया। ये उनके हस्बैंड है, हेलो ब्लो दो मेरे ब्लॉग को। एंड ये उनके बेटे हैं सदा भैया,
एकदम हैंडसम टॉल एंड फिट, सिक्स फीट अबव है भाई, रहने दो।